तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर और साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर में है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपको 5 पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स 3, जिसे M3 भी कहते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में OS कहते हैं। तीसरा आपका सब्जेक्ट है एनालिसिस डिजाइन एंड एल्गोरिथम, जिसे ADA कहते हैं, या फिर कई जगह हमें DDA भी कह सकते हैं इसको, क्लियर। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है, वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन आपका अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर CS ब्रांच के लिए, क्लियर। CS ब्रांच के लिए ये आपका बेसिकली जो कंसेप्ट है, जो सिलेबस है, ये है, क्लियर। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपके पास एक साल पूरा खत्म हो चुका है, 2 साल भी अब खत्म होने ही वाला है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स 3 को छोड़ के बाकी सारे जो आपके सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट है, ब्रांच के सब्जेक्ट है आपके, तो उनको आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ना है अगर आप CS फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो, क्लियर। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर नोट्स बना के, प्रॉपर अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करके पढ़ने की जरूरत है, क्लियर। कम से कम तो आपके पास 3 महीने का टाइम है आपके पास, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली हर सब्जेक्ट को अगर आधा घंटा भी दे रहे हैं तो बहुत है आपके लिए, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिपेंड हो जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिपेंड ना रहना पड़े, इसीलिए हमें क्या करना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। और साथ ही साथ जो CS ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी कोडिंग को या फिर अपने अदर स्किल्स को बिल्डअप करने का कोशिश नहीं किया है, उनके लिए गाइडेंस ये है कि वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि वक्त गुजरते वक्त नहीं लगता, क्योंकि आपके 2 साल गुजरने वाले हैं, आपको पता चला नहीं चला, क्लियर। एग्जाम आते रहेंगे, सेमेस्टर जाते रहेगा और नॉलेज कुछ रहेगा नहीं आपके पास। तो मेरा राय ये है कि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट आपके पास है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है सारी चीज़ें, तो अदर चीज़ों पे पैसे वेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है। पहले आप फ्री के रिसोर्सेज को तो अच्छी तरीके से कीजिए, अच्छी तरीके से उसको देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, क्लियर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आपको, अपना कॉलेज आपका यूट्यूब चैनल हो गया, कोड विथ हैरी आपका चैनल हो गया, ये सारे क्या है, काफ़ी पॉपुलर चैनल है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स में कोडिंग को अच्छी तरीके से ग्रो अप करने में मदद करते हैं। मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया होगा उनके अंदर, तभी तो उतने सारे सब्सक्राइबर उनके साथ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि फ्री के रिसोर्सेज अगर ना मिले, तभी आपको इधर उधर पैसे देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही सोचिए, आप कॉलेज में 1.5 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, साथ ही साथ आप कोचिंग करने भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी पैसा फंसा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोचिंग कीजिए, ठीक है, लेकिन पहले आप फ्री के रिसोर्सेज को तो देखिए एक बार कि आखिर वहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके बाद आपको थोड़ा जाना है वहाँ पे, क्लियर। आप ही सोचिए, कॉलेज में पैसे देने से आप कॉलेज में पैसा देके बैठ जा रहे हैं घर पे और उसके बाद आप कोचिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं है। तो अपने आप को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। सारे सब्जेक्ट को मैं अपने चैनल पर भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैथमेटिक्स 3 पे डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो रहा है, जितना मैं समझा पा रहा हूँ, जितना मैंने सीखा है, उन सारी चीज़ों को मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा आपके चैनल है डिस्कस विद जिसान, उस पर चल रहा है, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है आने वाला अपकमिंग वीडियो सीरीज। एक एक नोट्स को अच्छी तरीके से मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर। तो यही सारी बातें थी, अगर बातें पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर लिखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।